नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शून्यम और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप पूरी बात समझ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया में सब कुछ जैसा हमें दिखाई पड़ता है असल में वैसा है नहीं, क्योंकि जो भी हमें दिखता है मालूम पड़ता है वो स्थिर है, रुका हुआ है, ठोस है। परंतु अब विज्ञान कहता है इस जगत में कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है, हर चीज गतिशील है। जो कुर्सी आपके सामने रखी है आपको लगता है कि वो ठोस है, परंतु ऐसा है नहीं। वो एक नदी के समान गतिशील है। जो दीवार सामने आपको दिखाई पड़ती है वो ठोस नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ठोस जैसी कोई चीज अब जगत में है ही नहीं। आपके सामने की दीवार भी एक बहाव है, तरल है, लेकिन बहाव इतना तेज है कि आपकी आंखें उसके बीच के अंतराल को नहीं पकड़ पाती। उदाहरण के लिए यदि बिजली के पंखे को जोर से चलाया जाए तो आप उसकी पंखुड़ियां नहीं गिन सकेंगे, आपको सिर्फ ऐसा प्रतीत होगा कि एक घूमता हुआ सर्कल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिजली के पंखे को इतनी जोर से भी चलाया जा सकता है कि यदि गोली भी मारी जाए तो वो बीच के स्थान से नहीं निकल सकेगी, गोली किसी न किसी पंखुड़ी से जरूर टकराएगी। और पंखे को इतनी जोर से भी चलाया जा सकता है कि यदि आप उसके ऊपर बैठ जाएं तो गिरेंगे नहीं, क्योंकि गिरने में जितना समय लगता है उतने समय में दूसरी पंखुड़ी आपके नीचे आ जाएगी। इस स्थिति में पंखा आपको ठोस मालूम पड़ेगा। दोस्तों यदि गति बहुत अधिक हो जाए तो चीजें ठहरी हुई मालूम पड़ती हैं। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो आपको ठोस मालूम होती है, वास्तव में कुर्सी ठोस नहीं है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर आप पूरा वीडियो देखने के बाद ये बात समझ जाएंगे। दोस्तों कोई भी वस्तु जिसे आप ठोस कहते हैं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के लिए आपकी कुर्सी छोटे छोटे परमाणुओं का एक जोड़ है। अब आपको जानना होगा एक परमाणु के बारे में। एक परमाणु का 99% हिस्सा खाली होता है जिसमें सूक्ष्म कण प्रकाश की गति से गतिशील होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसे पहले वैज्ञानिक ठोस मानते थे, परंतु अब वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि नाभिक के अंदर भी पूरा स्थान खाली ही है और इस खाली जगह में कुछ अति सूक्ष्म कण प्रकाश की गति से घूमते हैं। तो आपको अब समझ आने लगा होगा कि पूरा परमाणु खाली है, तो इन खाली परमाणुओं से मिलकर बनी वस्तु ठोस कैसे हो सकती है। अब आपके मन में एक और सवाल पैदा होगा कि यदि ठोस जैसी कोई चीज नहीं है तो हमें कोई वस्तु भारी और कोई वस्तु हल्की क्यों प्रतीत होती है। तो दोस्तों इस बात को भी गहरे से जानने के लिए आपको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी वस्तु के वजन का मतलब क्या है, और ये जानने के लिए आपको जानना होगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी का खिंचाव है जो प्रत्येक परमाणु को समान रूप से अपनी तरफ खींचता है। परंतु वो वस्तुएं जिनमें परमाणु बहुत पास पास होते हैं, परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण पृथ्वी का खिंचाव भी उतना ही ज्यादा होता है और वस्तु हमें भारी प्रतीत होती है। जैसे कि लोहा हमें भारी प्रतीत होता है क्योंकि लोहे में परमाणु बहुत पास पास होते हैं, परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण पृथ्वी का खिंचाव भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ कोई वस्तु हमें हल्की प्रतीत होती है क्योंकि उसमें परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसी कारण परमाणुओं की संख्या बहुत कम होती है और पृथ्वी का खिंचाव भी उतना कम होता है। तो दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे कि ठोस जैसी कोई चीज इस जगत में नहीं होती। ये जगत सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ गति है। वैज्ञानिक अब इस बात को समझ चुके हैं और आप भी समझ ही गए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रकृति से जुड़े ऐसे तथ्यों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।